क्या आपको किसी से बात करते समय जल्दी आंसू आते हैं? उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम जब करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग अलग अलग उनके प्रॉब्लम्स हमको बताते रहते हैं। उसमें की एक स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। ये करीब करीब 17 साल का लड़का है और इसकी खुद की कंप्लेंट ऐसी है कि किसी से बात करने के समय आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो बहुत सेंसिटिव माइंड है उसका, तो उसमें क्या होता है, एकदम वो ऐसा चेहरा उसका गिर जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये कुछ तो भी मुझे बोल देगा, डर जाता है और फिर उसमें आंखों में पानी आना चालू हो जाता है। थोड़ा किसने कुछ बोला तो रोना आ जाता है और फिर ख्याल कुछ ना कुछ चालू हो जाते कि अभी कैसा होगा, क्या होगा। उसको ऐसा बार बार उदासीनता है और कोई भी काम में मन नहीं लगता। नींद कम आती है, रात को जल्दी जल्दी सोता नहीं है, नींद लगती नहीं है और सवेरे भी बहुत जल्दी खुल जाती है नींद। जान उसको बिना वजह से घबराती रहती है और ऐसा अजीब सा लगते रहता है। उसको लगता है कि कुछ तो भी कमी है, समझ भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो और खाना भी लगता नहीं, खाने में भी दिल लगता नहीं, कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है और किसी से भी बात करने में कुछ मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आती। यह करीब करीब 2 महीने से हो रहा है। जब उसको मैंने पूछा और कुछ सवाल उसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हुआ या कुछ ऐसी घटना हुई कि जो घटना से ऐसा हुआ, ऐसा भी नहीं है। अचानक चालू हो गया और बार बार रोना भी आता है, कभी अच्छा विचार भी नहीं आता है और उसने दवाई लिया मगर दवाई से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। जब मैंने उनको पूछा कि भाई क्या आपके घर में किसको है, तो उसने बोला हाँ मेरे मदर को है और मदर की जो सिस्टर है मतलब उसकी मौसी, उनको भी यही इस तरह की बीमारी है। इसका मतलब फिर मुझे लाइट लग गया कि भाई इसका फैमिली लोडिंग अच्छा दिख रहा है। और जब रोना आता है और ये 2 महीने से हो रहा है तो पक्का डिप्रेशन है। और डिप्रेशन जब है तो, और बहुत अर्ली यंग एज में डिप्रेशन है, पहली बार हुआ है। तो जैसा मैंने पहले बताया मेरे वीडियोज़ में कि भाई डिप्रेशन जो है वो केमिकल इम्बैलेंस से होता है और केमिकल इम्बैलेंस यदि हम ठीक कर लेते हैं, और केमिकल इम्बैलेंस में स्पेशली डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स जो है ब्रेन की जो कम हो जाती है और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, तो वो ठीक करने से फ़ायदा होता है। मतलब ठीक है भाई, हम तपास लिए उसको, बाकी कुछ भी बीमारी निकली नहीं। उसको मैंने एंटी डिप्रेशन दवाई दिया और उसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ऐसा सब उसको उसके थ्रू उसको लेकर गए और कम से कम 1 महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा उसको लग गया। क्या होता है कि लोगों को लगता है 17 साल की उम्र है, इसको क्या मेंटल को, मतलब मेंटल क्या हुआ है, मेंटल या साइकेट इसको क्यों बताना है, क्या मेंटल हो गया, क्या क्या पागल हो गया, क्या वहाँ डॉक्टर की तरफ लेके जाएंगे तो धब्बा लग जाएगा, सोशल स्टिग्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अर्ली स्टेज में, अर्ली एज में डिप्रेशन हुआ, अर्ली स्टेज में पकड़ में लाया, पकड़ में आ गया और हमने ट्रीटमेंट कर लिया। तो ऐसा आपको कोई दिखता है आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपको खुद, तो उसका इलाज जल्दी होना जरूरी है। आज कम से कम 10 से 15% लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। कारण बहुत है, बहुत ज़्यादा कारण है डिप्रेशन आने के, मगर बिना वजह का भी डिप्रेशन होता है। कारण रहो या बिना कारण रहो, कंसिस्टेंटली यदि आप 15 दिन डिप्रेस्ड है, 15 दिन कंटिन्यूअसली, तो फिर तो ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोगों में जागरूकता निर्माण हो जाएगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको हमारा पार्टनर बनना है ताकि हम पूरे इंडिया को मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और एडिक्शन फ्री इंडिया ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।